दोस्तों, देश के अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को आज सारा देश जानता है। पति की तरह ही नीता अंबानी भी एक एजुकेशनिस्ट, एक आर्टिस्ट, एक बिजनेस वुमन के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। दोस्तों, रिलायंस ग्रुप के न्यू रखने वाले मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी अपनी बहू नीता अंबानी से ऐसी ऐसी बातें पूछते थे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उन बातों को जानने के लिए कि आखिर धीरू भाई अंबानी अपने बहू से कैसी कैसी बातें करते थे। हालांकि नीता अंबानी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी थी। शादी से पहले वो एक स्कूल में टीचर थी और अपने खर्चे चलाने के लिए करीब 700 रुपए महीना वेतन लेती थी। लेकिन अंबानी की बहू बनने के बाद नीता अंबानी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। आज उनकी लुक से लेकर उनकी लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल गया है। वो एक साधारण लड़की से सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आज भी नीता अंबानी की लाइफ में वैसी की वैसी ही हैं। नीता अंबानी को बहू के रूप में उनके ससुर धीरू भाई अंबानी ने ही पसंद किया था। दरअसल उन्होंने नीता अंबानी को एक क्लासिक डांस परफॉर्मेंस के दौरान देखा था। वहीं पर उन्होंने नीता अंबानी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया था। नीता अंबानी अपने पिताजी के बताए नक्शे कदम पर चल रही हैं और अपने परिवार को संजोए हुए हैं। अपने उन्हीं संस्कारों को नीता अंबानी कभी नहीं भूली। आप भले ही कितने बड़े ही क्यों ना व्यक्ति हो जाएं, लेकिन अपने संस्कारों को कभी ना भूलें और अपने परिवार को एक साथ एक माला में पिरो कर रखें। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। नीता अंबानी ने इस बात का जिक्र करते हुए अपने ससुर धीरू भाई अंबानी के बारे में बताया था कि पापा एक कठिन टास्क मास्टर थे। वो एक हर दिन आधे घंटे की क्लास लेते हैं और मुझसे देश दुनिया के तमाम मुद्दों से लेकर शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स और हमारी कंपनी रिलायंस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल पूछते थे जिसका जवाब मैं नहीं दे पाती थी। ज़्यादातर सवालों के जवाब मैं सही नहीं दे पाती थी। मुझे लगता था कि पापा हमें परख रहे थे कि हम कितना सीख चुके हैं। उनका सिखाया हुआ आज भी हमारे जेहन में ताज़ा है और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के लर्निंग से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।